नाडो मीट्स रूडी तुमने ले लिया ग्रैंडी कॉन्फिडेंस देती है ड्राइवर को कि भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे एक्सीलेटर दो और मैं निकलूँगी, कहीं भी जान नहीं छोड़ूंगी, ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है। अलाउ मी टू एक्सप्लेन, बाहर गर्मी बहुत है, अंदर बैठ के एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी प्लान मुलाकात का ही है और ये अभी हो रही है बहुत गंदी। हम जैसे मर्जी लग रहे हों, हमारी गाड़ी खूबसूरत लगनी चाहिए। जस्ट कार गाई थिंग ब्रो, ये देख के मुझे इतना दुख हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो ये जो बुजुर्ग ने अभी स्टार्ट में एक लाइन बोली, उस बुजुर्ग का आपको हिंट मिल गया होगा, समझदार हैं आप। उनसे हमारी होने जा रही है आज फिर मुलाकात, उनकी रूडी से। बेसिकली रूडी से मुझे याद आता है कि क्यों ना हम भी यार अपनी गाड़ी का एक नाम रखें, क्या कहते हो? नाम होना चाहिए गाड़ी का नाडो। नाडो तो इसका एक है ही ना वो तो, लेकिन एक नाम, एक स्पेसिफिक नाम कमेंट्स में बताओ जरा, कोई यूनिक सा नाम मुझे अच्छा लगा, मैं चूज कर दूंगा। यूनिक नाम हो जो पहले सुना ना हो, मतलब यू नो कॉमन ना हो। नाडो ग्रैंडी दोनों को मिला के क्या बनता है? ग्रैंडो 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 तो बहुत फनी हो जाएगा। खैर ये जो लाइन बोली गई ना, ग्रैंडी कॉन्फिडेंस देती है ड्राइवर को, बेसिकली ये लाइन मार्केट्स की बोली गई थी। आई नो बड़ी अच्छी तरह, आपको कमेंट में वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खैर ग्रैंडी पे ऐसी सूट की है कि इतनी वायरल गई है लाइन की, अब उसका मजा ग्रैंडी पर ज़्यादा आया। कॉपीराइट तो उनके पास है इस लाइन के, लेकिन हम जरा आज ना ये लाइन चेंज कराते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले गाड़ी करनी है वॉश, गाड़ी वॉश कराते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे मीटर पॉइंट सेट होता है हमारा, और वहाँ पे जाके जरा रूडी की और नाडो की लेंगे कुछ अच्छी अच्छी शॉट्स मजेदार किस्म के। गाड़ी भाई हमने फुल चमका के टिशकम टैट कर ली है, और जैसा कि मैं तकरीबन हर व्लॉग में बताता हूँ, व्लॉगिंग में एक बेली साथ होना बड़ा, शेख मुजम्मल इज विद अस, इनको हम साथ लेके जाएंगे, हमें हौसला देते रहेंगे और हमारे शॉर्ट्स भी लेंगे ये आज। अच्छे अच्छे बैठे बैठे आपके लिए, मैं गाड़ी अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन करवा के लाया हूँ। हबीब भाई यू आर लेट, और हम खा रहे हैं उतनी देर गोल गप्पे, तब तक आप आज is here. अस्सलाम वालेकुम यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहता हूँ क्या बात हो भाई, हमने तो टाइम से धुलवा ली थी। रूडी भाई साहब को वॉश किया जा रहा है और नीचे से रगड़ती भी चढ़ी है। रोलिंग शॉट्स हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, बाकी जो इस गाड़ी का छोटा सा रिव्यू आएगा वो आप जाके हबीब भाई के चैनल पे देख सकते हैं, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी हमने ये एक लोकेशन लेक सिटी की ढूंढी तो है, पता नहीं अभी हमें यहाँ पे शॉट्स लेने देंगे या नहीं, पर ट्राई कर रहे हैं हम। थंबनेल वगैरह जो है वो यहाँ पर आ जाए, और बाकी जो इसका रिव्यू है, इसमें जितने पैसे लगाए हैं, जो कुछ भी लगाया, सारा कुछ आके आप हबीब भाई के चैनल पर देखें।
तो अभी यार तो ओ भाई कहाँ फिर रहे हो यार, कहाँ यार पीछे ये मेरा सामने ले चोरी नहीं होने दूंगा मैं, देखूंगा सोचूंगा यहाँ से बड़ा अच्छा ओ यार भाई यार आपका लेक सिटी है मुझे पकड़ लो गार्ड आ गया गार्ड अभी हमारी गाड़ी का छोटा सा रिव्यू चल रहा है अभी भाई कर रहे हैं। तो रिव्यू मैंने जैसे पहले बताया कि वो आएगा उनके चैनल पे, हम मोस्टली जो है ना वो बिहाइंड द सीन ही दिखा रहे हैं कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। बड़ा शुगर लग रहा है, दो व्लॉगर जब मिले और कैसे कैसे व्लॉग रिकॉर्ड होता है, तो अब मुझे वो फील आ रही है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस काम में। जो इस तरह जो है ना सोचता हूँ बार बार ये सीन लूँ, तो वो वही सीन चल रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा बड़ी मुश्किल से एक खाली सी जगह मिली है, बार बार गार्ड्स आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं इधर नहीं रिकॉर्ड करो। तो खैर रिव्यू कम्प्लीट, आप उधर देखें फेस लिफ्ट, ये वो कॉयल ओवर्स, फ्लैशर्स, जो भी सीन है वो सारी प्राइसेस या जो भी था वो सारी आपको वहाँ पे मिलेंगी, आप जाके वो रिव्यू चेक करें लाजमी। ओके बॉयज, नाटो ग्रेक रोला का हम रिव्यू स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले तो हम उजैफा भाई से ये पूछेंगे कि उजैफा भाई ये आपकी नाटो ग्रेक ग्रैंडी जो है ये गाड़ी है कैसी? तो यार एक बुजुर्ग ने कहा था टिकटॉक पे कि ग्रैंडी जो है ना कॉन्फिडेंस देती है ड्राइवर को कि भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, तुम एक्सीलेटर दो और मैं निकलूंगी, कहीं भी जा नहीं छोड़ूंगी, ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है। ये बुजुर्ग ने हरगिज नहीं कहा था, ये मैंने कहा था। और मैंने ये नहीं कहा था कि ग्रैंडी, मैंने मार्केट के बारे में कहा था, मैंने मनवाना है कि ग्रैंडी ऐसी गाड़ी है। नहीं ग्रैंडी तो है, नो डाउट, माशाल्लाह है, अच्छी देती है ना, बस देती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं इस बात को अगर पूरा करूं ना, आज बात कर ही लेते हैं ये कि मार्केक्स के बारे में बात कर रहा था उसको हम साइड पे कर देते हैं, और अब मेन जो कंपेटिटर है ना वो ग्रैंडी और सिविक है। ग्रैंडी में नो डाउट यार बहुत मजे की पावर है, मैंने खुद भगाई हुई है और सिविक की तो भगाई थी, मतलब भगानी नहीं चाहिए पहली मैं बता दूं, लेकिन भगाई हुई है। स्टेबिलिटी के लिहाज से ग्रैंडी इज नॉट सो गुड, इट इज गुड लेकिन नॉट सो गुड, परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, सीधी सी बात है यार। ग्रैंडी के अंदर पावर बहुत इनसेन है, तो इतना सा मनवा लिया हमने कि ये भी कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है, तो इतना बड़ा है। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, इनसे लेते हैं इजाजत जल्दी ले लिए। हमको सिखा रही है। तो आई होप आपको ये छोटा सा मीटअप पसंद आया हो, रिव्यू जो है वो भी आपने देख के बताना है कि कैसा हुआ है। और हबीब भाई से लेते हैं इजाज़त, इन्होंने जाना बड़ी दूर। और सर ओके, थैंक यू सो मच सर, फॉर्मेलिटी के लिए मिल रहे हैं एंड बंद करने के लिए। तो अल्लाह। तो देखूंगा सोचूंगा यार भाई यार अपना साइड पे लेके कर लो थोड़ा सा, क्या हो गया तुमने ले गड़िया ने यार गड़वा करें जी।
यार ग्रैंडी कॉन्फिडेंस देती है इंसान को कि भैया देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लाइन बोल गई है यार, ये रट के आए हैं भाई मेरी लाइन। देख के रानगी हो रही है ये। मैं सूट इतना किया पॉइंट के, मैं कहता हूँ क्या वाकई वो वाकई जिस बंदे ने भी वो कट क्रॉप किया ना, आगे हंस रहे हैं यार, आगे हंस रहे हैं। दोबारा करो पॉइंट आगे या आएगा ये।